हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक। मैं तो फ्रेंड मगध यूनिवर्सिटी बोधगया की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है फ्रेंड। पार्ट 3 वोकेशनल रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे, तो बहुत से छात्रों का यहाँ पर वेट है कि फ्रेंड यहाँ पर पार्ट 3 वोकेशनल वालों के लिए कब रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पार्ट 3 वोकेशनल का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं प्रभात खबर का न्यूज़पेपर में यहाँ पर आर्टिकल एक छपा है, यहाँ पर जल्द जारी होगी वोकेशनल पार्ट 3 का रिजल्ट। यानी कि जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, वोकेशनल के स्टूडेंट है, पार्ट 3 का इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उनका जल्द ही इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर जल्द ही वोकेशनल पार्ट 3 का रिजल्ट को जारी करने किया जाएगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को पूरी यहाँ पर पूरी खबर को आपको पढ़कर बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मगध विश्वविद्यालय MAU से वोकेशनल कोर्स जो सत्र 2016-19 के फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग तेज कर हो गई है। यहाँ पर फ्रेंड विभिन्न छात्रों ने राज्यपाल को यहाँ पर पत्र लिखकर कहा है कि वोकेशनल पार्ट 3 का जल्द से जल्द रिजल्ट को जारी किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं राणा रंजीत सिंह, रजनीश सिंह और जितेंद्र के साथ कई स्टूडेंट ने परीक्षा समाप्त होने के 2 माह बाद भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। अप्रैल से लेकर जून 2019 तक 300 स्टूडेंट का विभिन्न कंपनियों में सिलेक्शन किया जा चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं जारी नहीं होने के कारण भविष्य अधर में है। कंपनियों से मेल आने लगा, कंपनियों द्वारा नवम्बर महीने तक ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दिया गया। तो फिर यहाँ पर राज्यपाल से मिलकर यहाँ पर पत्र लिख कर दिया गया है कि वोकेशनल पार्ट 3 का जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए, तो वहाँ पर जल्द ही आपका रिजल्ट को जारी किया जा सकता है। वोकेशनल पार्ट 3 का रिजल्ट जो सत्र 2016-19 के स्टूडेंट हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के पास, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।